हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन गेमिंग अपडेट। एंड आज स्काउट भाई सोल ओमेगा के साथ स्क्रिम्स में खेल रहे थे, और साथ में सोल वर्सेस टीम स्काउट या सोल ओमेगा या सोल वर्सेस सोल बोलो फाइट हुआ था। सो वो मैच आप आगे देख सकते हो। क्या लगता है टीम यहाँ पर सोल कितनी देर तक सरवाइव कर पाती कि नहीं? बट आई थिंक नियो ने यहाँ पर पियर्स को स्पॉट किया, डैमेज दिया जाएगा, बट नियो की पोजीशन रिवील हो जाती है अल्ट्रॉन के द्वारा, नियो को डाउन किया जाएगा। टीम सोल मुश्किलों में पड़ सकती है, नियो को यहाँ पर फिनिश आउट भी किया जाता है, आई थिंक यस फिनिश आउट कर दिया जाता है। हेक्टर उनके नीचे की तरफ है एंड सेवन सीज मैड मैन। क्या लगता है दोनों तरफ से यहाँ पर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, एक्सो के प्लेयर्स हल्का सा मुश्किलों में, अल्ट्रॉन की पोजीशन रिवील हो जाती है, अल्ट्रॉन यहाँ पर छोटी सी गलती उनकी तरफ से हो जाती है तो वो यहाँ पर एलिमिनेशन के दौर पे जा सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं अल्ट्रॉन जंप करते हुए जा रहे थे बट कॉबलिन की तरफ से यहाँ पर एक छोटी सी गलती एंड उनको भी यहाँ पर डाउन कर दिया गया। हेक्टर सेवन सीज मैडमैन, दो प्लेयर सर्वाइव करते हुए देखने को मिलेंगे। हेक्टर यहाँ पर अपने आप को हील करने की कोशिश करेंगे, हीलिंग से यहाँ पर सिर्फ उनके पास 5 बैंडेजेस एंड 2 फर्स्ट एड किट है। उनका एक ग्रेनेड जाएगा, क्या वो ग्रेनेड एक्यूरेट तरीके से जाता है? आई थिंक वो ग्रेनेड एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने की कोशिश की गई थी जिससे वो गॉब्लिन को रिवाइवल दे सके। सेवन सीज मैडमैन ऊपर की तरफ से प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट जो कि एक टीम वर्क देखने को मिल रहा है यहाँ पर बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिल रहा है हेक्टर एंड सेवन सीज मैडमैन का। देखते किस तरीके से गॉब्लिन को भी एक अच्छा खासा रिवाइवल मिल चुका है, तीनों के तीनों प्लेयर्स वापस से एक के खेलते हुए दिखेंगे। आई थिंक मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक फॉलबैक कर सकती है टीम सोल जिससे वो अपने आप को हील अप कर ले एंड बाकी टीम्स के अगेंस्ट फाइट ले सकते हैं, बट यहां पर अनफॉर्चूनेटली टीम एक्सपर्ट एलिमिनेट हो जाती है। ग्यारह मारू, देखिए ये है मेरा प्लेयर, ये है मेरा फेवरेट प्लेयर इस मैच के अंदर, आगे मारू ऑलरेडी अपना जो दबदबा है वो शुरू कर चुके हैं, ऑलरेडी इस मैच में अपना जो तहलका है वो मचाना धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं, नॉकआउट्स निकाले जा रहे हैं, फिनिश पॉइंट्स भी जरूर से कन्वर्ट कर लेंगे, बट नेवर माइंड कोई बात नहीं है। अब आगे के फाइट्स के बताते जा रहे हैं, बट बिग ब्रदर्स के प्लेयर्स हेल गॉड बी स्टॉपी ट्रायल्स तीनों के तीनों प्लेयर्स सर्वाइव करते हुए नजर आएंगे एंड तीनों प्लेयर्स अभी भी एक अच्छी खासी कोशिश में लगे हुए हैं। क्या लगता है यहाँ पर कि टीम सोल अपने आप को विनर विनर चिकन डिनर की तरफ लेके जा पाती है कि नहीं, क्योंकि टॉप 10 टीम्स अभी भी बच रही है, चौथा जोन चल रहा है, स्पियर्स यहाँ पर जो कि आप देख सकते हैं फियर्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा जोन के जस्ट एज में देखने को मिल रहे हैं, जोन अगर उनकी तरफ आ जाता तो उनतार के वॉकआउट हुआ है बहुत थर्ड पार्टी करते हुए, गॉब्लिन को पिक ऑफ करेंगे जरूर हागे मारू, यानी हमारे स्काउट यहाँ रहने वाले जरूर, उनको भी यहाँ थोड़ा हील करके जल्दी से जल्दी सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा, बट मैडमैन भी लाइक हम है दोस्तों क्या गम है, हम तुमको कंधे पे बिठा के लेके जाएंगे सर्कल के अंदर, फिर आराम से आपको रिवाइव दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम एडजस्टेबल बंदे हैं, आपको रिवाइव चाहिए हम आपको रिवाइव देंगे, बट एक सेफ जगह पे लेके जाने के बाद ही, बट एट द वेरी मोमेंट अगर हम नजर डालते हैं आगे के फाइट्स के ऊपर, बिग ब्रदर ईस्पोर्ट्स के प्लेयर्स भी आपको नजर आ रहे हैं, बट स्टिल टॉक अबाउट हेल गॉड, उनको यहाँ पर सीजन के द्वारा पिकआउट किया गया है, वॉकआउट्स को बस यहाँ मछलियां पकड़ना पड़ेगा बिकॉज जिस जगह पे वो बैठे है वो वहां से आराम से ये सारे फिनिश पॉइंट्स निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो कि वॉकआउट्स के प्लेयर्स थोड़ा सा पानी में नजर आ सकते हैं, बट क्या लगता है स्क्रिल्स मिस्टर स्प्रे अबरार तीन प्लेयर सरवाइव कर रहे हैं, पीछे की तरफ से टीम सोल भी नजर आती हुई देखने को मिलेगी, 5 टीम्स अभी भी सरवाइव कर रही है, आप देख सकते हैं 9 टीम्स हैं एंड 5वां जोन चल रहा है, कौन सी टीम यहाँ पर विनर विनर चिकन डिनर लेके जाएगी? स्क्रिल्स के वॉकआउट्स ने यहाँ पर स्पैमेज देने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे वॉकआउट्स भी एक अच्छी खासी कोशिश में लगी हुई है कि उनका ये जो मैच है उसमें वो कमबैक कर सके। स्क्रिल्स के यहाँ पर पोजीशन रिवील हो चुकी है, सामने की तरफ आपको देखने को मिल सकती है टीम आईएनपी के प्लेयर्स, बहुत टीम्स देखने को मिल रही है, हाइड्रा के प्लेयर्स भी आसपास कहीं ना कहीं धीरे धीरे आते हुए देखने को मिलेंगे, जोन धीरे धीरे छोटा होगा वैसे ही यहाँ पर टीम्स क्लोज इन करेंगी एंड उनकी फाइट एक घमासान युद्ध की तरफ लेके जा सकते हैं सब। तो कैसे लगा आपको ये मैच मुझे कमेंट करके बताना। तो बस आज के वीडियो का बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अपडेट के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कीप प्लेइंग कीप सपोर्टिंग, बाय।